तो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना के बताने जा रही हूँ। देखिए, आलू, शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है और दो ही कली लहसुन है। ज़्यादा मसाला मिर्च के मैं बनाती नहीं हूँ, मैं तो साधारण तरीके से बनाती हूँ। आज मैं सब्जी आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मैं गैस पर कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो रहा है और देखिए अब मैं सब्जी इसमें बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं सरसों और सौंफ की फोरन डाल दूंगी। कढ़ाई देखिए गर्म हो चुका है, बस एक चुटकी इसमें मैं फोरन डाल दूंगी। इसके साथ ही फोरन जलने के बाद तुरंत इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी। देखिए फोरन अच्छे से पक चुका है। प्याज को थोड़ा लाल हल्का होने देते हैं जब तक आलू काटे हैं। आलू काट के रख लेते हैं। प्याज लाल हो रहा है, इसमें मैं हरी मिर्च भी काट के डाल देती हूँ। अपने पिता जितना खाते हैं उसी हिसाब से डालिए, मैं जो डाल रही हूँ। मिर्ची में डाल दूँ तो और लाल हो जाएगा, तो मैं इसमें आलू डाल दूंगी। प्याज हो गया और इसमें आलू डाल देती हूँ। धीमी आंच पे भूनना है। शिमला मिर्च और गाजर काट के रखते हैं। गाजर और शिमला मिर्च जो काट के रखते हैं वो डाल देते हैं। सब्जी बहुत अच्छे बन के तैयार होगा। इस तरह से हम बनाएंगे तो देखते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें चाहे तो आप थोड़ी सी छिमली जो होती है वो भी छील के डाल देंगे। मैं भी थोड़ी सी छिल के डाल दूँगी जो अच्छा लगेगा। जिसका कभी से ढंग देती है धीरे धीरे आँख पे से पकाना है। मैं देखती हूँ अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। नमक डाल दे रही हूँ। इसी में मैं हल्दी भी डालने वाली हूँ। अब देख सकते हैं हल्दी भी मैं डाल रही हूँ इसमें। हल्दी से मैं देखती हूँ इसी रोटी से चला देती हूँ। सब्जी देखिए अच्छे से भुना रहे हैं। थोड़ा सा छीने डाल देते हैं। जो कली जो लहसुन रखी थी उसे छिलके भी मैं ऐसे ही डाल दी। ज़्यादा लहसुन नहीं खाते हैं, बस दो ही जो डालना ज़्यादा नहीं। उसे हल्का सा क्रश करके और डाल दें। उनको खाते हैं उसे सब्जी भुजा रहा है अच्छे से। दो लहसुन के
देखिए इसमें जीरा का पाउडर डाल देते हैं। देखिए ये जीरा का पाउडर है, जीरा का पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा गोलकी पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा गोलकी पाउडर डालना है बस। मसाला मेरे सब्जी में ज़्यादा नहीं कुछ पूरा था, बस देख रहे हैं इसी को अच्छी तरह से भूनना है और थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी ऐड कर देना है। देखिए हल्का सा पानी ऐड कर देना है थोड़ा ज़्यादा, ताकि मसाला अच्छे से इसमें मिल के जा सके। सब्जी कितनी अच्छी बन जा चुका है, आलू भी लगभग सीझ ही चुका है। देखो इसे ढक कर सीझना है, कितना अच्छा भून गया सब देख सक रहे हैं। ऐसे बनाइएगा तो आपको बार बार बना के खाने का मन करेगा। देखिए सब्जी कितना अच्छा भून जा चुका है, आप भी देख रहे हैं। इस तरह से बनाइएगा, एकदम गरम गरम परोठा या रोटी के साथ खाइए, बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए अच्छा से भून जाता है, इसे भूनना बहुत अच्छा से, भूनने में थोड़ी टाइम लगती है। अब थोड़ी सी इसमें पानी देके इसे ढक देना, अब इसमें पानी थोड़ी सी डाल देते हैं। देखिए ये पानी, इसमें रस नहीं रखना है, इसको लटपट ही बनाना है। देखिए पानी डाल दिया, सब्जी बनकर तैयार हो रहा है। बस 2 मिनट और लगेगा, देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन गई है। हल्का सा पानी लग रहा है, कम है तो थोड़ा सा और डाल देते हैं और इसे ढक बस 2 मिनट बनाना है। अब इसे ढक देती हूँ, पानी डालती हूँ। देखिए इस तरह ढक दे रही हूँ, ये सब्जी हो रहा है आप देख सकते हैं। देख रहे हैं सब्जी हो रहा है, ये थोड़ी सी जब तक धनिया का पत्ती को काट के रख लेती हूँ। देखिए 2 मिनट हो गया, ढक्कन हटा के सब्जी को देख लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा बन गया है सब्जी, देख रहे हैं। अब गैस को बंद कर देती हूँ, मैं इसमें थोड़ी सी धनिया का पत्ता काट के रखी हूँ वो डाल देते हैं। पत्ता को मैं डाल दे रही हूँ, देखिए सुंदर लग रहा है। देखिए सब्जी देखने में भी अच्छी लग रही है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। देखिए दिख रहा है, अब इसे गर्मा गर्म परोठा या रोटी के साथ खाए बहुत अच्छा लगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।